आज के इस वीडियो में हम आपको न्यू बोर्न टू 3 मंथ ओल्ड बेबी के लिए इस फैब्रिक कैप की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। इसी तरह से आप चाहें तो साइज में थोड़ी बड़ी या छोटी कैप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये कैप बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पीस कट करके रखा है, जिसकी विड्थ हमने रखी है 8 इंच और इसकी लेंथ हमने रखी है 14 इंच। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, बराबर से सेट करके रखेंगे। इधर से हमारी फोल्डेड साइड है तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 1 इंच पर, और इस साइड से ये ओपन साइड है तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे इस पर 2 इंच पर। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाए हैं, इनको हम हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देते हैं। अब यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। ये कैप बनाने के लिए हम कॉटन के कपड़े का यूज कर रहे हैं। ये हमने इसे कट कर लिया है। आप चाहे तो इस तरह से एक सिंगल लेयर में भी कैप बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2 लेयर ले रहे हैं तो सेम साइज में हमने एक पीस और कट कर लिया है, तो इसे डबल करके हम ये कैप बनाकर तैयार करेंगे। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाकर दोनों कपड़ों को हम एक साथ कर लेते हैं। अगर आप कपड़ा मोटा ले रहे हैं तो सिंगल लेयर में भी कैप बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है, अब इसे फिर से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस पर हम दोनों साइड नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। ये हमने एक स्ट्रैप और कट करी है, जिसकी विड्थ हमने रखी है 4 इंच और इसकी लेंथ हमने रखी है 14 इंच। इसे भी हम इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे। एक बार और फोल्ड करके यहाँ पर हम नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस पर सेंटर पॉइंट पर दोनों साइड मार्किंग कर ली है नॉचेस लगाकर। अब इस स्ट्रैप को हम कैप के साथ में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने सेंटर पॉइंट पर मार्किंग करी है कट लगाकर, दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से इसे रखेंगे। और यहाँ पर जो कैप का कपड़ा है, इसे हम छोटी छोटी प्लीट्स डालते हुए इस स्ट्रैप के साथ में हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर से हो जाएंगे और जितना एक्स्ट्रा है उसमें हम प्लीट्स डालते हुए स्टिच कर लेते हैं। तो सेंटर पॉइंट से हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और दोनों साइड बराबर से प्लीट्स डालते हुए इसे हम स्टिच कर लेते हैं। ध्यान रखें, आपको सिर्फ कैप के कपड़े में प्लीट्स लेनी है और जो हमने स्ट्रैप कट करी है अलग से, उसमें हमें प्लीट्स नहीं डालनी है। ये हमने एक साइड से स्टिच कर लिया है, अब सेंटर से फिर से हम दूसरे साइड भी इसी तरह से प्लीट्स डालते हुए इसे स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पर हम प्लीट्स की साइड एक ही रख रहे हैं, यानी कि प्लीट्स को हम एक साइड से ही फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर रहे हैं। ये हमने स्ट्रैप स्टिच कर ली है कैप के साथ में। अब इस स्ट्रैप को हम एक साइड से लगभग 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो मार्जिन है इसे हम अंदर की तरफ दबाते हुए इस तरह से रखेंगे इसे, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने एक सिलाई लगा ली है, अब इसके पैरेलल ही एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम एक सिलाई और लगा लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर ये स्ट्रैप अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये हमने 2 सिलाई लगा ली हैं और ये कैप हमारी इतनी बनकर तैयार हो गई है।
अब हम इसे बॉटम साइड से और फिनिशिंग करेंगे इसकी, और बांधने के लिए लेस भी हम इसके साथ में ही स्टिच करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रैप कट करी है जिसकी विड्थ हमने रखी है 2 इंच और इसकी लेंथ हमने रखी है 25 इंच। इस स्ट्रैप को हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इस पर कट लगाकर मार्किंग करेंगे सेंटर पॉइंट पर। अब इस पॉइंट से हम लगभग 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हम छोटे सा कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब देख सकते हैं इस तरह से हमने इस पर नॉचेस लगा लिए हैं। अब कैप का जो हमने सेंटर पॉइंट पर नॉचेस लगाया था उसको हम स्ट्रैप के सेंटर पॉइंट से मिलाकर रखेंगे। तो इस तरह से बराबर से पकड़ के रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जो कट लगाया है उसे हम कैप के एंड तक इस तरह से स्टिच करेंगे और कैप का जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें हम 2 से 3 छोटी छोटी प्लीट्स डालेंगे। अगर आप प्लीट्स बड़ी लेंगे तो 2 प्लीट्स आप ले सकते हैं, छोटी लेंगे तो आपकी 3 प्लीट्स यहाँ पर आएंगी। तो इस तरह से प्लीट्स डालते हुए हम स्ट्रैप को स्टिच कर लेते हैं कैप के साथ में। सेंटर से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और दोनों साइड बराबर से स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पर हमने स्ट्रैप स्टिच कर ली है। अब हम इसे एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे, दूसरे साइड से भी फोल्ड करेंगे और फिर इसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर जो मार्जिन है वो अंदर की तरफ दब जाएगा और दूसरे साइड से स्ट्रैप को इस तरह से फोल्ड करके इसको हम अंदर की तरफ लेते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है और यहाँ पर हमारे पास बांधने के लिए स्ट्रैप भी तैयार हो गई हैं दोनों साइड। तो इस तरह से ये हमारी न्यू बोर्न टू 3 मंथ ओल्ड बेबी के लिए फैब्रिक कैप बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको हमारा आज का फैब्रिक कैप का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।